मुकदमे तो बड़ी बात नहीं है मुकदमे करवाना, क्योंकि ये शस्त्र इनको मिला हुआ है। कैसी हर एक शर्मनाक घटना को ये लोग अपने सिर पे बैठाने की कोशिश करते हैं, और ऊपर से हमें ब्राह्मणों को वीडियो बना बनाकर ब्राह्मणों को उत्तेजित करने का कार्य करते हैं, ब्राह्मणों को। जय श्री परशुराम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी से अनुरोध रहेगा पोस्ट को अधिकतम शेयर करें। एक विशेष मुद्दा जो काफी सालों से समाज के ऊपर एक लांछन नाम का प्रतीत हो रहा है, हमारे सारे नए पुराने जो भाई बंधु हैं जिन्हें आत्मग्लानी होती है, पीड़ा होती है, ऐसा एक इतिहास है जिसे तोड़ मरोड़ कर समाज के सामने प्रस्तुत किया जाता है, और समाज भी असमंजस में है कि इस घटना को क्या नाम दिया जाए। बात करूंगा 1 जनवरी 1818। आप सबने सुना होगा कि 1 जनवरी को सारे दलित समाज की एक ऐसी मानसिकता बन चुकी है, दलित समाज की नहीं कहूंगा मैं, कुछ दलित मानसिकता, घृणित मानसिकता के व्यक्ति हैं जिनकी ऐसी मानसिकता बन चुकी है कि समाज को आपस में लड़ाते रहो, बस कैसे भी करके कहीं से भी जातिवाद निकाल ढूंढ कर निकालो और जातिवाद के ऊपर प्रहार करो और बस जातिवाद की राजनीति करते रहो। पिछले 100-150 सालों से इनका ये जो जातिवाद का जहर है ये लगातार, जिसमें स्वयं अंबेडकर जी भी अछूते नहीं थे। गांधी जी जहां एक तरफ छुआछूत के विरुद्ध आंदोलन चला रहे थे, समाज की ये पीड़ा रही है, सनातन धर्म की ये पीड़ा रही है, हमारे समाज में छुआछूत जैसा एक कुकृत्य समाज में आया था और उसको खत्म करने के लिए, चाहे वो स्वर्ण समाज के व्यक्ति हो, चाहे वो दलित समाज के व्यक्ति हो, हर किसी ने अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन आज जो बात हम लोग करेंगे वो बात करेंगे भीमा कोरेगांव के ऊपर। कुछ मेरे भाइयों ने मुझे फोन किया और पूछा कि भैया भीमा कोरेगांव में ऐसा कहा जाता है कि 500 मलाड़ जाति के योद्धा थे और 25,000 ब्राह्मणों की सेना थी, उस सेना को 500 मलाड़ों ने काजर मूली की तरह काट दिया। सुन के बड़ा ताज्जुब होता है और कभी कभी हंसी भी आती है कि एक ऐसी घटना, और वो भी आज के दौर में, 500 एक तरफ लड़ाके और एक तरफ 25,000 लड़ाके शस्त्र के साथ 500 मलाड़ों ने 25,000 ब्राह्मणों को काट दिया, और उनकी याद में आज एक स्तंभ वहां ठोका हुआ है जिसे वो शौर्य स्तंभ या शहीद स्तंभ बोलते हैं, और शहीद स्तंभ बोल के हर साल 1 जनवरी के दिन वहां फूलों से उसे सजाया जाता है, फूलों से उसे वहां जाकर नतमस्तक हुआ जाता है, और दलित समाज अपने इसे अपना गर्व का विषय मानता है। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए, उसमें एक एंगल और भी है, इतिहास के किसी भी पन्ने पर उस युद्ध का जो जिक्र है वो कहीं भी दलित वर्सेज स्वर्ण का युद्ध नहीं है। 1 जनवरी 1818 को जो युद्ध लड़ा गया था वो एंग्लो इंडियन युद्ध था, मतलब अंग्रेजों और पेशवाओं के मध्य युद्ध था, और अंग्रेजों की तरफ से, जिन्हें अगर आज के परिवेश में, एक तरफ तो वो लोग थे जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, हम उसे ब्राह्मण भी नहीं कहते, हम उसे पेशवा भी नहीं कहते, एक अंग्रेज और एक भारतीय के मध्य युद्ध था, क्योंकि एक जहां एक कम्युनिटी अलग हो जाती है, जहां एक सभ्यता अलग हो जाती है, वहां एक जाति का नाम लेना कहीं भी न्यायोचित नहीं रहेगा। उन्होंने, हम भी नहीं कहते, ब्राह्मण ये कतई नहीं कहते कि वो ब्राह्मणों का युद्ध था यार, ब्राह्मण इतने सूरमा थे, ब्राह्मण स्वतंत्रता सेनानी थे और दूसरी जातियां स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी, हमारा कर्म था, हम भारतीय हैं, हम इस मिट्टी में जन्मे हुए लोग हैं, हम इस मिट्टी को पूजते हैं, चाहे जो कोई भी था, एंग्लो इंडियन युद्ध था, अंग्रेजों और हमारे देशवासियों के बीच में लड़ा गया युद्ध था, पेशवा तो ठीक है उनकी एक पहचान थी पेशवा, लेकिन उस युद्ध को अगर कहा जाएगा तो वो अंग्रेजों और भारतीयों के मध्य हुआ युद्ध था, जिसमें निसंदेह एक घोर युद्ध था,
तीन बार ये युद्ध लड़ा गया था, एंग्लो इंडियन युद्ध तीन बार लड़ा गया था, लगभग 65 वर्ष तक ये युद्ध चला था। इतिहास उठाकर देख लीजिए, कई लोगों ने हमें इतिहास पढ़ाने की कोशिश की, कहा गूगल कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, भाई सब कुछ करके देखा है। और वो जो स्तंभ है ना, वो इस भारतीय राष्ट्रीय और स्वतंत्रता जो राष्ट्र प्रेमी है, जो अपने देश से प्रेम करता है, उसकी छाती पर खड़ा एक एक धब्बा है। वो स्तंभ हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए अंग्रेजों ने बनाया था, और जिसे मूर्ख ये जो जात पात की राजनीति करते हैं, ये जो समाज को लड़ाना चाहते हैं, ये जो दलितवाद, ओबीसीवाद, ये वाद, फलाना ढीगड़ा पूछड़ा, उनकी राजनीति करते हैं, ये इन मूर्खों की पहचान है, इन मूर्खों के मुंह पे थूका हुआ, ताकि तुम इनकी जिंदगी भर, अंग्रेज चले गए, पिछले 75 साल से हम लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन इनकी मानसिकता आज भी परतंत्र है। हमें इसमें दुख महसूस करने की जरूरत नहीं है मेरे ब्राह्मण भाइयों, हमें नाराज होने की, हमें ग्लानि भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्लानि तो उन लोगों को होनी चाहिए जो अंग्रेजों के साथ मिलकर युद्ध लड़ रहे थे, भारत की स्वतंत्रता के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, देश को पराधीन बनाना चाहते थे। जब उन्हीं को ग्लानि नहीं हो रही है, तो हम किस बात की ग्लानि करें, हमें किस बात की ग्लानि होनी चाहिए। तो भीमा कोरेगांव का सत्य स्वयं जाने, भीमा कोरेगांव का जो स्तंभ है, उसे कतई न्यायोचित और जातिवादी मानसिकता से देखने की आवश्यकता ही नहीं है। गुलाम भारत में, जब हम गुलामी के दौर में थे, उस समय उन साहसी पेशवाओं द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध 65 साल लंबा चला युद्ध का अंत था 1 जनवरी 1818, और उसके बाद संध्या भी हुई, उसके बाद संधि हुई, और अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के मुंह पे कालिख पोतते हुए उस स्तंभ को बनाया, और उसकी रक्षा के लिए अफ्रीकियों को लगाया, उसकी रक्षा के लिए अफ्रीकियों को लगाया, पहले मूर्ख बनाया, अपनी तरफ से लड़वाया, मरवाया। अंग्रेजों की जो नीति थी, फूट डालो और राज करो, उस नीति को कभी पढ़ो तो सही, उस नीति को कभी समझो तो सही, बस मुंह उठा के सनातन संस्कृति का विरोध करना, भारतीयता का विरोध करना, स्वतंत्रता सेनानियों का विरोध करना, यही आता है तुम लोगों को, क्योंकि मुफ्त का खाना हजम नहीं हो रहा है, यही सत्यता है, यही सच है, मुफ्त का खाना हजम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो इतिहास छुपा हुआ नहीं है, इतिहास में कहीं भी लिखा हुआ बता दो कि वो युद्ध जातिवादी था। तुम लोग कहते हो कि 500 मलाड थे और 25,000 ब्राह्मण थे, इतिहास में कहीं तो लिखा हुआ बता दो कि वो युद्ध जातीय युद्ध था, जातीय संघर्ष था, कहीं तो लिखा होगा भाई। अगर इतना ही बड़ा युद्ध था और वो जातीय संघर्ष था, तो कहीं तो लिखा होगा कि वो जातीय संघर्ष था। वो हर राष्ट्र प्रेमी के मुंह पे कालिख है। करणी सेना के कुछ हमारे भाइयों ने, राजपूत समाज के कुछ हमारे भाइयों ने आवाज उठाई थी, उनके खिलाफ मुकदमे हुए। मुकदमे तो बड़ी बात नहीं है मुकदमे करवाना, क्योंकि ये शस्त्र इनको मिला हुआ है, मुकदमा कोई बड़ी बात नहीं। और सच्चाई के खिलाफ तो हमेशा इस भारत में सच्चाई जो बात करते हैं, सच्चाई की जो बात करते हैं, उसके खिलाफ हमेशा मुकदमे होते हैं और आगे भी होंगे, लेकिन लड़ना पड़ेगा, सच तो लोगों के सामने लाना ही पड़ेगा ना। आज भी इतिहास में दर्ज है वो एंग्लो इंडियन युद्ध, मतलब अंग्रेजों और इंडियन के मध्य युद्ध हुआ था। इंडियन मतलब कोई ब्राह्मण पेशवा अकेला नहीं था, सेना थी पेशवाओं की, उसमें सारी जातियों के लोग थे, खाली ब्राह्मण ब्राह्मण तलवार लेकर नहीं निकलते थे। 25,000 लोग थे तो 25,000 खाली ब्राह्मण नहीं थे, मराठों की सेना थी तो मराठों में खाली राजपूत समाज अकेला नहीं आता था। हर कोई व्यक्ति जो अपनी देश से प्रेम करता था, अपनी मातृभूमि से प्रेम करता था, अपने अपने लिए जीता था, जो स्वतंत्र रहना चाहता था, वो लड़ता था। और एक तरफ वो लोग जो किसी की भी बातों में आ जाते थे, किसी की भी बहकावे में आ जाते थे,
कहीं से कुछ भी अपने लिए ढूंढ निकालने की, अपने हित के स्वार्थ स्वार्थ की लड़ाई लड़ने वाले लोग। अंग्रेज और इंडियन के मध्य युद्ध था, इतना क्लियर रखो। और यही क्लियर सत्य है, यही सत्य, यही चीज सत्य है। बाकी तो करो तुम लोग पूजा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी चीज, ऐसी गतिविधियों को करते हुए। और ये एक विडंबना है, हमारे हमारे भारतीय समाज की ये विडंबना है। कैसी हर एक शर्मनाक घटना को ये लोग अपने सिर पे बैठाने की कोशिश करते हैं, और ऊपर से हमें ब्राह्मणों को वीडियो बना बनाकर ब्राह्मणों को उत्तेजित करने का कार्य करते हैं, ब्राह्मणों को उत्तेजित करने का कार्य करते हैं, ब्राह्मणों को ग्लानि भरवाने का कि 25,000 ब्राह्मण मारे गए थे, है तुम्हारी औकात 500 लोगों की, आज भी सशस्त्र आकर लड़ सकते हो 25,000 के सामने। फिर कौन से जातीय विद्वेष की बात करते हो तुम लोग? इतिहास को तोड़ मरोड़ कर परोसना, झूठे तथ्यों को सामने लाना और अपनी जनता को भ्रमित करना, अपने लोगों को भ्रमित करना। मैं तो अपने सारे दलित भाइयों से भी कहूंगा, हमारे सनातन संस्कृति में जरूर कुछ गलतियां हुई है, समय के साथ साथ कई घर गंदा होता है, लेकिन उसकी सफाई की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम सबका नैतिक दायित्व है कि हमारे घर में जो गंदगी पसरी है उसे हम सबको मिलकर समाप्त करना पड़ेगा।